स्टडी फॉर जॉब चैनल पर आपका स्वागत है। मैं हूं विवेक चौहान और आज की इस वीडियो में राजस्थान जीके के लिए उन प्रश्नों को लेकर आ रहे हैं जो कि बार बार पूछे जाते हैं। राजस्थान जीके के लिए ये पार्ट 3 है और इसके और भी पार्ट ऑलरेडी अपलोड कर दिए गए हैं, उनका लिंक आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो वीडियो शुरू करें उससे पहले हम आपको बता दें कि आपको एक पेपर और पेन लेके बैठना है। आपके सामने एक क्वेश्चन आएगा, उसके चार विकल्प होंगे और आपको 5 सेकंड का समय मिलेगा। तो उसी 5 सेकंड के दौरान आप अपना उत्तर अपने पेपर में टिक कर देंगे तथा वीडियो ख़त्म होने के बाद हमें कमेंट करके बताएंगे कि आपने कुल कितना सही किया। आपकी जानकारी के लिए बता दें कि हमने ऐसे ही और भी वीडियो अपलोड किया है, उनका भी लिंक आपको इसके डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। वीडियो शुरू करने से पहले आप इस वीडियो को लाइक कर दें ताकि हम भी मोटिवेट होकर आपके लिए ऐसे ही वीडियो लाते रहें। शुरू करते हैं राजस्थान के लिए सामान्य ज्ञान और ये इसका भाग 3 है। इसके और भी पार्ट हमने ऑलरेडी अपलोड कर दिया है, उसका लिंक आपको इसके डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। सबसे खास बात कि आपको इसकी PDF मिल जाएगी और उसके लिए जाना होगा आपको हमारी वेबसाइट पे जिसका नाम है www.studyforjobs.in। आपको यह लिंक इसके डिस्क्रिप्शन में ही मिल जाएगा, तो वहाँ से जाके आप बड़े ही आसानी से इसका PDF डाउनलोड कर पाएंगे। ये वीडियो मेरे द्वारा लाई जा रही है, मैं हूँ विवेक चौहान। तो चलिए बिना किसी देर किए हुए शुरू करते हैं। अगर आप हमें इंस्टाग्राम पे फॉलो करना चाहते हैं तो हमारी आईडी है Study for Jobs, तो वहाँ पर आप हमें फॉलो कर सकते हैं। वहाँ पर आपको PDF और ऐसे ही वीडियो मिलती रहती है। तो चलिए शुरू करते हैं। आज का आपका पहला क्वेश्चन है कि राजस्थान की सबसे कम सीमा किस राज्य की सीमा से लगती है। आपके ऑप्शन है पंजाब, मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश और हरियाणा। आपको बताना है, जल्दी से बताइए और आपके पास 5 सेकंड का समय है। सही उत्तर है पंजाब। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पे। आपको 5 सेकंड का समय मिलेगा, उसी में आप अपना उत्तर अपने पेपर में टिक कर देंगे। अगला क्वेश्चन है कि राजस्थान में बेकार भूमि का क्षेत्र जिस जिले में सबसे अधिक पाया जाता है। आपके ऑप्शन है जालौर, जैसलमेर, पाली या फिर बाड़मेर। सही उत्तर है जैसलमेर। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पे। आपका अगला क्वेश्चन है कि राजस्थान की सीमा कितने राज्यों की सीमाओं को स्पर्श करती है। आपके ऑप्शन है 2, 3, 4 या फिर 5। सही उत्तर है 5। अब आज के लिए आपका पहला सवाल, आप हमें इन 5ों राज्यों का नाम कमेंट करके जरूर बताएंगे। आज के लिए आपका पहला सवाल है और इसी तरह हम आपसे लगभग 5 सवाल पूछेंगे। तो बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन है कि राजस्थान का आकार किस प्रकार का है, गोलाकार, विषमकोणीय, आयताकार या फिर त्रिभुजाकार। सही उत्तर है विषमकोणीय। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पे। आपका अगला क्वेश्चन है कि राजस्थान का दूसरा सबसे बड़ा शहर है। ऑप्शन है अजमेर, जैसलमेर, जोधपुर या फिर उदयपुर। आपका सही उत्तर है जोधपुर। तो आज के लिए आपका तीसरा सवाल, आपको राजस्थान का सबसे बड़े शहर का नाम बताना है। ये सबसे बड़ा दूसरा शहर है जोधपुर और आपको सबसे बड़े शहर का नाम बताना है। ये आज के लिए आपका तीसरा सवाल है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पे। आपका अगला क्वेश्चन है कि राजस्थान के कितने जिलों की सीमाएं पाकिस्तान की सीमा से स्पर्श करती हैं। आपको बताना है ऑप्शन 3, 4 या 5 या फिर 6। सही उत्तर है 4। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पर। आपका अगला क्वेश्चन है कि राजस्थान दिवस कब मनाया जाता है। ऑप्शन है 30 मार्च, 30 जनवरी, 30 जुलाई या फिर 1 जुलाई। सही उत्तर है 30 मार्च। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पर। आपका अगला क्वेश्चन है कि राजस्थान के किस प्रदेश में बीहड़ मिलते हैं। मतलब बताना है कि राजस्थान में कहां पर बीहड़ मिलता है, माही बेसिन, चंबल, बनास या फिर लूनी। तो बेहद आसान सवाल, और अगर आप राजस्थान से हैं तो अभी तक आपने इसका उत्तर कमेंट करके बता दिया होगा। आपका सही उत्तर है चंबल बेसिन। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन है कि राजस्थान की पाकिस्तान से लगी सीमा की लंबाई क्या है।
ऑप्शन है 1070, 1170, 1270 या फिर 876, और ये सारी दूरियां किलोमीटर में है। सही उत्तर है 1070 किलोमीटर। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन है कि राजस्थान का सीमावर्ती राज्य है, आपके ऑप्शन है उत्तर प्रदेश, हरियाणा, मध्य प्रदेश या फिर ये सभी। सही उत्तर है ये सभी। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन है कि राजस्थान के किस क्षेत्र में विंध्य पठार का विस्तार है, ऑप्शन है उत्तर पूर्व, दक्षिण पश्चिम, दक्षिण या फिर दक्षिण पूर्व। सही उत्तर है दक्षिण पूर्व। तो 5 सेकंड के अंदर आप अपना उत्तर जरूर अपने पेपर पे टिक कर देंगे। अगर आपको यह वीडियो अच्छी लग रही है तो इसे अभी लाइक कर दीजिए, और आपको इसका पीडीएफ मिल जाएगा, उसके लिए आपको लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। आपका अगला क्वेश्चन है कि राजस्थान की सबसे अधिक सीमा किस पड़ोसी राज्य से लगती है, ऑप्शन है उत्तर प्रदेश, हरियाणा, गुजरात और मध्य प्रदेश। तो बेहद आसान सवाल, और इसका हम उत्तर नहीं बताने वाले हैं, ये आपके लिए आज का चौथा सवाल है। इसका उत्तर आप हमें कमेंट करके जरूर बताएंगे। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन है कि न्यूनतम अंतर्राष्ट्रीय सीमा वाला राजस्थान का जिला है, बताना है कि न्यूनतम अंतर्राष्ट्रीय। आपके ऑप्शन है जैसलमेर, श्रीगंगानगर, बाड़मेर और बीकानेर। सही उत्तर है बीकानेर। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पे। आपका अगला क्वेश्चन है कि राजस्थान की स्थलीय सीमा की कुल लंबाई कितनी है, 826, 869, 1070, 5920 और ये सारे डिटेल किलोमीटर में हैं। बेहद आसान सवाल है, आप ऑप्शन देख के भी अनुमान लगा सकते हैं। इसका उत्तर है 5920 किलोमीटर। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पर। आपका अगला क्वेश्चन है कि राजस्थान की सबसे ऊंची पर्वत चोटी है, बैराट, जरगा, तारागढ़ या फिर गुरु शिखर। सही उत्तर है गुरु शिखर। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन है कि क्षेत्रफल की दृष्टि से राजस्थान का सबसे छोटा जिला, आपके ऑप्शन है भरतपुर, सिरोही, धौलपुर और जैसलमेर। सही उत्तर है धौलपुर। अब आज के लिए आपका पांचवा सवाल, आप हमें कमेंट करके बताइए कि राजस्थान में सबसे बड़ा जिला कौन है क्षेत्रफल की दृष्टि से। क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा जिला कौन सा है, उसका नाम आप हमें कमेंट करके बताएंगे। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन है कि राजस्थान में विस्तृत रूप में प्राप्य अज्वलित ईंधन खनिज है, मैग्नीज, बॉक्साइट, अभ्रक, क्रोमाइट। सही उत्तर है अभ्रक। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन है कि राजस्थान का पूरा क्षेत्रफल भारत के क्षेत्रफल के कितने परसेंट है, आपके ऑप्शन है 5, 9, 11 या फिर 15। सही उत्तर है 11%। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पर। आपका अगला क्वेश्चन है कि क्षेत्रफल की दृष्टि से राजस्थान का सबसे बड़ा जिला कौन सा है, तो ये क्वेश्चन हम आपसे पूछ चुके हैं, तो इसका उत्तर आप हमें कमेंट करके बताएंगे। हमने आपसे पांचवा क्वेश्चन यही पूछा था कि क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा जिला कौन सा है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन है कि राजस्थान के निम्न जिलों में से कौन सा जिला नया है, ऑप्शन है दौसा, प्रतापगढ़, राजसमंद या फिर करौली। सही उत्तर है प्रतापगढ़। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन है कि राजस्थान में झामर कोड़ा क्षेत्र निम्न में से किस खनिज से संबंधित है, ऑप्शन है राख फास्फेट, सीसा एवं जस्ता, मैग्नीज या फिर चांदी। सही उत्तर है राख फास्फेट। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन है कि राजस्थान का सर्वाधिक अंतर्राष्ट्रीय सीमा वाला जिला कौन सा है, आपको बताना है कि सर्वाधिक। सही उत्तर है जैसलमेर। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पर। आपका अगला क्वेश्चन है कि राजस्थान में कुल कितने जिले हैं,
ऑप्शन है 25, 28, 32, 33। सही उत्तर है 33। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पर। आपका अगला क्वेश्चन है कि वर्तमान समय में राजस्थान में कुल कितने संभाग हैं? 5, 7, 9 या फिर 11? सही उत्तर है 7। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन है कि जिस राज्य के साथ राजस्थान की सबसे छोटी अंतर्राज्यीय सीमा है? आपको बताना है कि ऑप्शन गुजरात, पंजाब, हरियाणा या फिर मध्य प्रदेश। राजस्थान की सबसे कम सीमा, तो बेहद आसान सवाल है और ये है पंजाब। तो इस वीडियो में इतना ही। सबसे पहले आप इस वीडियो को लाइक करिए तथा हमें कमेंट करके बताइए कि अब तक आपने इसमें कितना क्वेश्चन सही किया। इसके अलावा हमने आपसे 5 प्रश्न और पूछे थे, उनका उत्तर भी आप हमें कमेंट करके जरूर बताएंगे। आपकी जानकारी के लिए बता दें कि हमने हिंदी व्याकरण, कंप्यूटर ज्ञान, बिहार सामान्य ज्ञान, लेखक एवं उनकी रचनाएं, छत्तीसगढ़ सामान्य ज्ञान, भारतीय भूगोल, उत्तर प्रदेश सामान्य ज्ञान, झारखंड सामान्य ज्ञान, भारतीय राज्य व्यवस्था, अर्थव्यवस्था, मध्य प्रदेश सामान्य ज्ञान के लिए वीडियो अपलोड कर दिया है। आपको इन सब वीडियो का लिंक इसके डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। फाइनली, स्टडी और जॉब की अपडेट सबसे पहले पाने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।